नागपुर में फुटबॉल की टीम तैयार करेंगे अमिताभ बच्चन। ये है सैराट कनेक्शन। कुछ समय पहले इस बात की घोषणा हुई थी कि सैराट जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले नागार्जुन मंजुले अब अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म झुंड बनाने वाले हैं। अब इस फिल्म के शुरू होने का वक्त आ गया है। अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़ती में बिजी हैं और इस शो की शूटिंग खत्म होते ही वो नवंबर में नागराज मंजुले की अगली फिल्म झुंड की शूटिंग शुरू करेंगे। ये शूटिंग नागपुर में होगी और स्टार टू एंड फिनिश की जाएगी। फिल्म झुंड में बच्चन एक प्रोफेसर की भूमिका में होंगे जो गली मोहल्ले के लड़कों की जुटा कर उनकी एक फुटबॉल टीम तैयार करते हैं। बच्चन का फुटबॉल प्रेम असल जिंदगी में भी है और वो यूरोपियन फुटबॉल लीग को बड़े ही करीब से फॉलो करते हैं। मराठी फिल्म सैराट के सुपरहिट होने के बाद से मंजुले इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। मंजुले के मुताबिक, मैंने नागपुर शहर का चयन किया क्योंकि कहानी वहीं की है। मैं चाहता हूं कि देखने फिल्म ज्यादा से ज्यादा वास्तविक लगे और मुंबई एवं पुणे से अलग नागपुर का अपना आकर्षण और अनुभव है। अमिताभ बच्चन के साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा है। बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने और भी कई फिल्मों में एक टीचर की भूमिका निभाई है और उनकी वे फिल्में कामयाब भी रही हैं। उन्होंने ब्लैक फिल्म में टीचर की भूमिका निभाई रही है। याद करें तो उनकी सदाबहार फिल्म चुपके चुपके में भी बॉटनी के प्रोफेसर की भूमिका में थे। एल प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण में भी टीचर की भूमिका निभाई थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमिताभ इस फिल्म में किस तरह इस किरदार को निभाते हैं। एल बच्चन इस साल आमिर खान के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में दिखेंगे और अगले साल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र में भी। एल